क्ले की मदद से आप कितनी सारी आर्ट बना सकते हैं, मैंने आपके साथ अगले कहीं वीडियो में शेयर किया हुआ है। अभी तक वो वीडियो नहीं चेकआउट किए हैं तो प्लीज़ चेकआउट कर दीजिए। और आज हम क्ले की मदद से ये ब्यूटीफुल सा नेकलेस, इयररिंग्स और रिंग्स और ब्रेसलेट का पूरा सेट बनाने वाले हैं। इससे पहले अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए हुए रेड बटन को क्लिक की दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूँ आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्ले की मदद से हम बनाने वाले हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे फेवरिकल का मोल्डेड क्ले लिया हुआ है। इसको आपको अच्छी तरह से मिक्स करना होता है, जब तक ये पूरा एक कलर में ना हो जाए और अच्छी तरह से इसका टेक्सचर ना बन जाए तब तक आपको इसको मिक्स करते रहिए। अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद आप इसका तीन टुकड़ों में उसको डिवाइड कर दीजिए और उसको राउंड करके नीचे आप इस तरह से भी कर सकते हैं और हाथ में लेके भी कर सकते हैं और उसकी तीन इस तरह से रो बना लीजिए, पतली सी आपको बनानी है, राउंड करके भी आप बना सकते हैं। अब तीनों को अच्छे से ऊपर मिक्स कर लीजिए और उसकी चोटियां बना दीजिए, जैसे कि हम छोटे बच्चों की चोटियां बनाते हैं वैसे आपको यहाँ पे एक लंबी चोटी बना लेनी है इस तरह से। आप चाहे तो पतला भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मोटी बनाई है। और अब इस तरह से आप उसको रख के एक शेप में उसको रख दीजिए और उसको सुई की मदद से दोनों एंडिंग में उसके होल बना लीजिए। होल आपको तभी बनाने हैं जब क्ले थोड़ा सा ये गीला हो, यानी कि सूखने के बाद इसमें कोई होल्स वगैरह नहीं होंगे, इसीलिए आप जब गीला हो क्ले तभी उसमें होल बना लीजिए जहाँ से हम हुक अटैच करेंगे। अब इसको सुखाने के लिए छोड़ दीजिए। अब हम इसकी इयररिंग्स बनाने वाले हैं, तो इयररिंग्स के लिए आपको सेम प्रोसेस करनी है, उनकी चोटियाँ बना लेनी छोटी छोटी ही और उसको राउंड में करके उसको एक शेप दे देना है इयररिंग्स की तरह। ये जो मैं नेकलेस बना रही हूँ वो आपको वीडियो के एंड में पहन के भी दिखाऊंगी कि ये किस तरह से दिखता है पहनने के बाद, एक्चुअली में कैसा लग रहा है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। अब मैं उंगलियों के लिए रिंग बनाने वाली हूँ, बीच की रिंग बनाने वाली हूँ। आप चाहे तो किसी भी उंगली की रिंग बना सकते हैं, आप जहाँ भी बनाने वाले हैं, जिस उंगली के लिए बनाने वाले हैं उस उंगली में रख के आप उसकी साइज़ ले लीजिए और हल्के से उसको निकाल दीजिए और उस शेप में आप उसको रख दीजिए। आराम से उसको निकालते जाइए ताकि उंगली का शेप अच्छी तरह से हो जाएगा और आप उसको हल्का सा प्रेस कर दीजिए ताकि वो एकदम शेप ले ले। अब यहाँ पे ब्रेसलेट बनाने वाले हैं, मैंने सेम प्रोसेस किया है, चोटी बड़ी सी गूंथ ली है और अब मैं हाथ में रख के देख लूँगी कि क्या साइज़ में मुझे चाहिए। मुझे हाफ ही चाहिए, पूरा नहीं बनाऊँगी, पूरा पहनने में दिक्कत आती है, इसीलिए ब्रेसलेट इसी तरह के हम बनाने वाले हैं। तो हाफ इसको मैं कट कर लूँगी और उसके होल्स बना लूँगी और उसको सुखाने के लिए छोड़ दूँगी। इस शेप में आपको उसको सुखाने के लिए छोड़ देना है कम से कम 2 या 3 घंटे के लिए। अब सूख जाए सब चीज़ें, यानी कि हमारा नेकलेस, इयररिंग्स और रिंग्स और ब्रेसलेट, उसके बाद हम उसके ऊपर पेंट करेंगे यानी कि कलर करेंगे। मैंने यहाँ पे एक्रिलिक कलर लिया है, आप चाहे तो कोई भी कलर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे पीच कलर जैसा कुछ कलर लिया है, मेरे पास एक साड़ी है मैं उसके ऊपर डालने के लिए, पहनने के लिए बनाने वाली हूँ, तो इस तरह से मैंने ये कलर चूज़ किया है। आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कितने ही अच्छी तरह से उसने शेप ले लिए हैं, रिंग्स भी एकदम अच्छी तरह से प्रॉपर फिटिंग में आ रही है। अब मैं उसके ऊपर पेंट करने वाली हूँ कलर से। पहले आगे के पोर्शन में पार्ट कलर कर लीजिए और उसके बाद जब आगे का पोर्शन सूख जाए उसके बाद पीछे के पोर्शन में कीजिए ताकि उसका कलर स्प्रेड ना हो जाए, यानी कि निकल ना जाए। आप चाहे तो इसके 2 या 3 कोड भी दे सकते हैं, लेकिन एक ही कोड में अच्छे से कलर स्प्रेड हो चुका है और मेरी साड़ी के साथ मैच भी हो रहा है। अब इस कलर को आप 1-2 घंटे के लिए सुखा दीजिए। अब पूरी तरह से सूख जाए
उसके बाद आप कोई भी ग्लू ले लीजिए, यानी कि मोडपोज ग्लू है तो वो भी बेटर रहेगा। अगर आपके पास मोडपोज ग्लू नहीं है तो आप फेविकॉल भी ले सकते हैं। याद रखें कि आप जो भी ग्लू ले रहे हैं वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, यानी कि सूखने के बाद इसका कोई कलर ना हो। तो यहाँ पे मैंने पूरे सभी चीज़ों में मोडपोज ग्लू का एक कोट दे दिया है। मोडपोज ग्लू इसीलिए लगा रहे हैं कि इसका जो कलर होता है वो अच्छी तरह से उसके ऊपर जम जाए, यानी कि निकले नहीं। अब ये पूरी तरह से मोडपोज ग्लू भी सूख जाए उसके बाद हम क्लियर वार्निश अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास वार्निश नहीं है तो आप क्लियर नेल पॉलिश जो होती है वो भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं शाइनिंग के लिए। अब हम उसके हुक्स वगैरह अटैच करेंगे। इसके लिए आप कोई भी क्राफ्ट की शॉप या तो स्टेशनरी वगैरह में ज्वेलरी मेकिंग के सभी हुक्स आपको इजीली मिल जाएंगे, वो आप एक बार ले लीजिए। और इससे आप उसको जो हमने होल्स किए हैं नेकलेस और ब्रेसलेट और इयररिंग्स में, उसमें आप उसको अटैच करके जॉइंट कर दीजिए। सभी चीज़ों में हुक अटैच करने के बाद आप देख सकते हैं कि ब्रेसलेट को आप इस तरह से बंद कर सकते हो, यानी कि आधा हाफ हमने बनाया है तो आप इस तरह से हुक लगा दीजिए और इयररिंग्स में भी आप इस तरह से हुक अटैच कर दीजिए। और अब आपको मैं पूरा सेट पहन के दिखाऊं कि किस तरह से वो एक्चुअल में लुक दे रहा है। तो कैसा लगा आपको आज का पूरा नेकलेस का सेट, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए। और आप मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे चाहे तो फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं अपनी वीडियो की अपडेट वहाँ पे डालती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक नए ही फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।